हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घर की रेसिपी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की चकली, इसे आप पापड़ भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये तुरंत ही बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी नॉर्मल चावल लिया है, जो घर में रोज़ यूज होता है उसी चावल को मैंने लिया है। तो हम लेंगे एक कुकर, कुकर में चावल को डाल देंगे और चावल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। दो तीन बार पानी डाल के चावल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे चावल को हमने अच्छे से धुल लिया है, ये चावल बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। तो जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी से चार कटोरी इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये रहा तीन कटोरी और ये रहा चार कटोरी। चार कटोरी पानी मैंने डाल दिया है, जिस कटोरी से चावल लिया था उसी कटोरी से नाप कर हमें डाल देना है। तो इसमें हम कुछ मसाला डाल देंगे, आधे चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, चिली फ्लेक्स एक चम्मच का तिहाई, आप मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसका हम ढक्कन लगाकर गैस पे चढ़ा देंगे कुकर को। कुकर को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, इसको हम तीन सीटी आने तक पकाएंगे चावल को। तो यहाँ पे एक सीटी आ चुकी है, ये रही दो सीटी। यहाँ पे तीन सीटी चावल में आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर ठंडा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का ख़त्म हो गया, ढक्कन मैंने खोल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और ये बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो गया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल को दबा के आल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो हम चावल को एक थाली में निकाल देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा तभी इसका हम पापड़ बनाएंगे। तो इसको हम सारा थाली में निकाल देंगे। तो यहाँ थाली में निकाल कर मैंने चम्मच से अच्छे से फैला दिया, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब ये ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का सा गर्म है। अब हम इसके चकली बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया चकली बनाने का साँचा, इसमें मैंने ऑयल अच्छे से ग्रीस कर दिया है पहले से ही, और ये स्टार वाले साँचे से हम बनाएंगे चकली। तो पहले हम मशीन का ढक्कन बंद कर लेंगे, इसको अच्छे से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ढक्कन अच्छे से हमने बंद कर दिया है। अब हम चम्मच से भर देंगे बैटर को, अच्छे से पूरी तरह से फुल कर देंगे। पूरा ऊपर तक हमने भर दिया है, इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि एयर ना रहे अंदर। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने दबा दिया है। अब इसका हम ऊपर का ढक्कन बंद कर देंगे, उसके बाद हम चकली बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने बंद कर दिया है। अब सीधे चलते हैं छत पे चकली बनाने के लिए। इसको हम धूप में बनाएंगे, इसको पहले सुखाना है। तो यहाँ छत पे मैंने इतना बना के तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से गोल गोल चकली में बनाना शुरू कर दी हूँ। तो ये देखिए, हाथ से दबाते जाना है और इस तरीके का गोल गोल हम बनाएंगे। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप को जिस तरह का पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं।
ये सूखने के बाद बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने 3 सीटी में अच्छे से चावल को पकाया है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो सारा हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको हम अच्छे से धूप में सुखाएंगे। तो यहाँ पे बना के हमने तैयार कर लिया था और बिल्कुल अच्छे से सूख गया, आप देख रहे हैं एक भी नहीं टूटा। बिल्कुल अच्छे से हमने चावल को पकाया था, बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं है। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म है, मैंने एक मुट्ठी डाल दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है ऑयल में, बिल्कुल अच्छे से ये फूल गया है, ये देखिए। तो सारे इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई होके तैयार हो गया, इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस होली आप भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको और भी कोई पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से हम सारा फ्राई कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है और ये बिल्कुल मुलायम लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम सारा इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मुलायम है, बिल्कुल ये तुरंत ही टूट जाता है, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल मुलायम। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।